नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीप इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के ऊपर। दोस्तों, आईटी सेक्टर के ऊपर जबरदस्त गिरावट आई है और क्रेडिट स्विस ने एक वार्निंग सिग्नल दे दिया है आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन को। दोस्तों, क्या यहां पे और गिरावट होगी या यहां से दोस्तों आईटी सेक्टर में अपमूव आने की संभावनाएं हैं? हमें क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आईटी सेक्टर के ऊपर? तो दोस्तों, थोड़ा ब्रीफ कर लेता हूँ आपको कि आईटी सेक्टर में अगर देखा जाए कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, तो उसको समझने के लिए पहले समझ लेते हैं दोस्तों निफ्टी का। देखिए तो दोस्तों, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 सारे इंडेक्सेस नेगेटिव पे थे। सेक्टर और इंडेक्सेस की बात की जाए तो निफ्टी बैंक ओनली पॉजिटिव था थोड़ा बहुत, और निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी फार्मा डिफेंसिव सेक्टर जो थे वो पॉजिटिव थे, पर निफ्टी आईटी की तो हालत पतली हो गई दोस्तों। -3.14% की गिरावट आ गई दोस्तों। अब इतनी सारी गिरावट आ गई है दोस्तों, तो अभी इस सेक्टर के ऊपर हमें करना क्या चाहिए वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। पहले तो गिरावट के पीछे के रीजन क्या है दोस्तों, आप सबको पता है कि दोस्तों निफ्टी आईटी का जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज्यादा होता है दोस्तों आईटी सेक्टर का, और जो आईटी सेक्टर में एक्सपोर्ट ज्यादा है तो यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में जो रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है वो एक सबसे बड़ा है। और ये वीक के अंदर दोस्तों दो बड़े इवेंट होने वाले हैं दोस्तों, एक इन्फ्लेशन आने वाला है यूएस का, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों लास्ट वीक हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी गई, अब एफओएमसी की कमेटी का दोस्तों इंटरेस्ट रेट डिसीजन है इस वीक के अंदर, तो ये वीक के अंदर दोस्तों आईटी सेक्टर का भविष्य तय हो सकता है। अगर बात करें निफ्टी आईटी की अभी के प्राइस की तो 29,168 का प्राइस है, -9.46 हैवी डाउनफॉल आया है -3.14% का, और सारे स्टॉक नेगेटिव में थे दोस्तों। कोई भी स्टॉक टीसीएस से लेके एससीएल टेक तक सारे में गिरावट आई थी। अगर यहाँ पे बात की जाए दोस्तों 365 डेज चेंज की तो 18% डाउनसाइड हुआ है, जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है और आईटी सेक्टर पूरा नेगेटिव है दोस्तों। अगर 30 डेज के अंदर बात करें तो थोड़ा सा रिकवरी मोड पे दिखा था हमें ये सेक्टर, और एलटीटीएस है दोस्तों, कॉफ्रोज है, उसमें काफी अच्छी तेजी भी बनी थी दोस्तों प्रसिशन सिस्टम में, बट क्या ये तेजी टिक पाएगी कि नहीं वो भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क है। तो ये गिरावट की वजह के रीजन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आईटी स्टॉक स्लम्स एज अ क्रेडिट स्विस बहुत ही बड़ी दोस्तों ब्रोकिंग फर्म है, और उन्होंने वॉन्स किया है फर्दर ग्रोथ पेन के ऊपर। द यूएस इकोनॉमी इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू टिप इनटू रिसेशन इन द सेकंड हाफ ऑफ 2023 ओइंग टू द यूएस फेडरल रिजर्व एग्रेसिव टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यूएस इकोनॉमी जो है इज एक्सपेक्टेड टू रिसेशन इन द सेकंड हाफ ऑफ 2013, व्हाई? बिकॉज यूएस फेडरल रिजर्व aggressive tightening of the monetary policy to resign the multi-decade high inflation in the country दोस्तों। जो inflation है US का वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था दोस्तों, उसको control करने के लिए दोस्तों ये लोग है जो monetary policy है उन्होंने interest rate raise किया 350 basis points since March, और same time दोस्तों bond asset on the balance sheet also known as a quantitative tightening, और recession in the US economy broadly considered as a negative for IT sector because हम रफली 45-60% का रेवेन्यू जो फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ द इकोनॉमी से आ रहा है दोस्तों। तो इंडियन आईटी कंपनी को इसी की वजह से दोस्तों थोड़ा वैल्यूएशन जो है वहां पे खतरा बन सकता है, ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से दोस्तों हो रहा है। बट अब एक चीज समझने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, देखो पेन है तो गेन है, ऐसा कॉमन सिचुएशन होता है। तो अगर आप बात करें कोई भी आईटी सेक्टर की कंपनी निकाल दो दोस्तों, लॉन्ग टर्म की बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पहला स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे 2.634% का रिटर्न आया है, और अब देखेंगे कि दोस्तों बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इस कंपनी ने मोर और लेस दोस्तों। अगर आप देखें तो बोनस देती है कंपनी, डिविडेंड 4 बार देती है साल में, तो वो बहुत ही बढ़िया दोस्तों कंपनी है, उसमें कोई बेमत नहीं है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, अच्छी बात है। इंफोसिस की बात करें लॉन्ग टर्म में दोस्तों जबरदस्त रिटर्न दिया है 13,447 दोस्तों, इफ एनीवन परचेज इन 2000 माय फ्रेंड दैट्स अ लेवल इज अराउंड 12 रुपीस इज देयर, एंड देन आफ्टर माय फ्रेंड हैवी अपसाइड इज देयर, हाई डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का भी है दोस्तों। तो यानी कि कंपनी सारी जो है दोस्तों, इंफोसिस ले लीजिए, विप्रो ले लीजिए, इवन दोस्तों अभी जो मर्जर हुआ है एलटीआई माइंडट्री बड़ी कंपनी बन चुकी है, उनका भी आप देखेंगे तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया आप बोल सकते हैं रिटर्न दिया है। अगर बात करें तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के, तो ये बहुत ही अच्छी बात बोली जा सकती है कि ये सेक्टर जो अपने आप में एक अच्छा रिटर्न देने वाला सेक्टर है दोस्तों, कोई भी स्मॉल कैप ले लो, मिड कैप ले लो या लार्ज कैप स्टॉक ले लो, सब ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है दोस्तों। तो एक
गुड बात बोल सकते हैं सेक्टर के ऊपर। अब एक चीज को समझने की कोशिश करना है दोस्तों कि अगर आपका व्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी मीन द मेक सेंस कि आपको लगता है कि ये जो सेक्टर है वहां पे रिकवरी आने की संभावना है, तो दोस्तों उसमें बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। अगर नहीं आपको लगता है नहीं टेक्निकली हमें जाना है, तो हम टेक्निकली बात करेंगे बहुत ही बढ़िया स्टॉक के ऊपर, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका हम डेली चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। वॉल्यूम बार आपके सामने दिख रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI इंडिकेटर। RSI का मीनिंग होता है दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और जहाँ पे 70 के अबो होता है तो ओवरबॉट जोन होता है और 30 के नीचे होता है ओवरसोल्ड जोन। ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे RSI ओवरबॉट जोन पे चला गया तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो गया। दोस्तों जब भी ओवरबॉट जोन में पहुंचता है तो थोड़ा दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आता है, इवन जब ओवरसोल्ड जोन में पहुंच जाता है दोस्तों तो वहां से अपर साइड की रिकवरी आना स्टार्ट हो जाता है। हमने बहुत बार ये चीज देख ली है दोस्तों। तो अभी क्या करना चाहिए दोस्तों, हमारा RSI अभी आ चुका है 45 के आसपास, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो 18 मई 2022 इज दैट 3 जून 2022, एंड हियर यू गेट द आइडिया इज अराउंड दैट द लेवल इज द 1 डिसंबर, दैट्स द रेजिस्टेंस लेवल, लेवल इज द 3480 लेवल इज देयर माय फ्रेंड। मोर ओवर हियर इज द लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल इज द 15 जुलाई 2022 कैंडल इज देयर, 26 सितंबर कैंडल एंड 13 सितंबर कैंडल, दैट्स द सपोर्ट लेवल। अभी आपको एक चीज समझने की कोशिश करनी है, यहाँ पे आप देखिए रेजिस्टेंस आपको मिला था 12 सितंबर 2022 को, 13 सितंबर 2022 को, इवन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस मिला था कंटिन्यूअस, जो आपको बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस, 3 कैंडल बने फिर ऊपर गया दोस्तों स्टॉक, फिर रिटेस्ट किया था दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस बना था शॉर्ट टर्म के लिए, उसको रिटेस्ट किया तोड़ने के बाद और फिर बड़ा तेजी बना दोस्तों, बट जो बड़ा रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस नहीं कर पाया, अभी आ गया है दोस्तों। तो अभी 3250 का जो साइकोलॉजिकल भी इम्पोर्टेंट लेवल है वहां पे दोस्तों आएगा और फिर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है। क्यों अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है दोस्तों, जो क्रेडिट स्विस का रिपोर्ट है वहां पे दोस्तों रिपोर्ट पढ़ के सबने बहुत ही ज्यादा बेच दिया है दोस्तों, पहली चीज। अब फेड का रिजर्व का दोस्तों, फेड का रिजर्वेशन पॉलिसी आएगा यूएस फेड का, तब सबको पता है RBI ने इस बार जो अपना जो स्टांस रखा है वो क्लियर रखा है, न्यूट्रल रखा है, कोई इतना बड़ी पैनिक वाली स्टेटमेंट भी नहीं आई। अगर यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होता है 2 दिन के बाद तो यहाँ से दोस्तों स्टॉक सपोर्ट ले सकता है और आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों, ये जो कंपनी है दोस्तों डिविडेंड देती है दोस्तों, सारी कंपनियां IT सेक्टर की सारी कंपनियां डिविडेंड देती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों बायबैक करती है और अच्छे प्रीमियम प्राइस के ऊपर करती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी बेहतरीन हो सकती है। आप इस सेक्टर के अंदर SIP कर सकते हो, अच्छे दिग्गज स्टॉक जैसे TCS है, इंफोसिस है, LTI है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए दोस्तों, हर गिरे बार में मौका ढूंढना चाहिए दोस्तों। और ये जो वीडियो है दोस्तों एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और IT सेक्टर में शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है कि नेगेटिव हो सकता है, बट दोस्तों लॉन्गर रन में दोस्तों ये स्टॉक और ये सेक्टर आउट परफॉर्मिंग करने वाला है दोस्तों। तो आपको इस सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप Angel One की ऐप में जाके, वॉचलिस्ट में जाके आप स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।